अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी चिकन के बहुत मज़ेदार दम का खीमा। और ये मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ली है, इसका मैंने खीमा बना लिया है। बोनलेस चिकन है और ये हमारे पास कुछ स्पाइसेस है। 1 टीस्पून सॉल्ट है और ये 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है, 1/2 टीस्पून हम लेंगे इलायची पाउडर, क्योंकि हमारे पास बोनलेस चिकन जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। 1/2 टीस्पून हम लेंगे इलायची का पाउडर और ये 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर है। और ये 2 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और ये 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट था इसलिए थोड़ा सा पानी चले गया इसमें सॉल्ट में, चले कोई बात नहीं, हमें इसमें मिक्स करना है चिकन में। और ये मैंने पपीते का पेस्ट लिया है, अभी मैं इसमें ऐड करूँगी। पपीते का पेस्ट इसलिए हम ऐड करते हैं थोड़े से गल जाए, लेकिन चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर लूँगी, चिकन में सारे स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। देखिए इसमें मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है चिकन में सारे स्पाइसेस ऐड करके। अब मैं इसमें 1 टीस्पून पपीते का पेस्ट ऐड करूँगी। अब इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। मैंने बॉल्स बना ली है इसकी, मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था पपीते का पेस्ट शामिल करके। अब मैंने बॉल्स बना के रख लिए हैं। ये देखिए मैंने कढ़ाई ली है, इसमें मैंने ऑयल शामिल करा है, 5 to 6 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल करा है। अब मैं इसे लो फ्लेम पे पका लूँगी, 15 से 20 मिनट लगेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम रख के पकाएंगे इसे। ये देखिए मैंने लो फ्लेम पे रख दिया है, अब इसे 10 से 15 मिनट तक हम बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे गलने के लिए। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी दम के कोफ्ते तैयार है। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली आपको हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।